नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जीवन रेखा के ऊपर। जीवन रेखा हमारे हाथ में उन रेखाओं में है जो एक बहुत ही मुख्य रेखा मानी जाती है, क्योंकि अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में से कलाई की ओर जा रही ये रेखा होती है। हमारी जीवन रेखा हाथ में जन्म के समय यहाँ से शुरू होती है और ये पूरा ऐसे नीचे तक आती है। अगर इस जीवन रेखा में कहीं कटापन है या ओवरलैप हो रही है कोई रेखा या चेन नुमा रेखा इसमें बन रही है, तो ये जीवन में हमारे को ये दर्शाती है कि हमारे जीवन में संघर्ष भी आएगा या कोई हादसा भी हो सकता है। तो अगर इन रेखाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़्यादा डीप में मत घुसिए, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि इस रेखा में अगर बीच में, या मान लीजिए कि ये रेखा सीधी जा रही है, यहाँ पर कोई कट है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये 30 वर्ष की आयु हो सकती है या 35 वर्ष की, या यहाँ है तो 55 वर्ष की। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय हमें विशेष सावधानी रखनी होगी। हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर बारिश हो रही होती है और हम छाता लेके निकलते हैं तो हम बचते हैं। ऐसे ही जीवन रेखा से आने वाली कठिनाइयों में अगर हमें पहले से पता चल जाता है कि हमारे जीवन में इस उम्र में ये दिक्कत आने वाली है, तो हम पहले से उसके लिए अपने इष्ट देवता या अपने देवताओं की पूजा कर उस संकट को भी टाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये जीवन रेखा का क्या महत्व है। तो जीवन रेखा हमारी हथेली में शुक्र पर्वत से गोलाई से जाती है और ये गहरी भी होती है और कभी कभी किसी के हाथ में इसे हल्का भी देखा जाता है। लेकिन जितनी गहरी ये रेखा होती है उतना ही हमारा जीवन अच्छा रहने वाला होता है। साथ ही ये रेखा जितनी ज़्यादा गोलाई में होती है हमारा जीवन उतना ही अच्छा रहता है। अगर इसमें बीच में हल्कापन हो या कटी फटी हो तो जीवन में थोड़ा संघर्ष भी रहता है। यही दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में छोटी जीवन रेखा है तो इसका मानना ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी आयु कम है। ऐसे लोग शर्मीले व्यक्तित्व के होते हैं और इन पर दूसरा बहुत जल्दी हावी हो जाता है, यों कहें कि ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। यही दोस्तों, अगर जीवन रेखा और रेखाओं के मुकाबले मोटी हो तो ऐसे व्यक्ति में शारीरिक बल बहुत होता है। ये शारीरिक बल के बलबूते पे ही ये काफ़ी कुछ अपने जीवन में हासिल करते हैं, या यों कहें खेल जगत में ये बहुत उन्नति करते हैं और इनका नाम भी होता है। यही दोस्तों, अगर जीवन रेखा हमारे हाथ में दो भागों में बटती है तो इसके क्या परिणाम होते हैं, तो चलिए जानते हैं। अगर जीवन रेखा हथेली की ओर से कलाई की ओर आते हुए दो भागों में बटती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आयु के साथ साथ तरक्की प्राप्त करता है एवं ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत शानदार होता है और जीवन के 30, 35 या 40 की उम्र में भी ये काफ़ी उन्नति करते हैं। यही दोस्तों, अगर ये जीवन रेखा दो भाग में बटी होती है तो ऐसे व्यक्ति की देश विदेश की यात्राएं बहुत होती हैं। यूँ कहें ये व्यावसायिक यात्रा भी हो सकती हैं या घूमने फिरने के पर्पस से भी ये यात्राएं काफ़ी करते हैं। जीवन में ये अपने जन्म स्थान पे कार्य न करके अपना कर्म स्थान बदलते हैं, या यूँ कहें कि ये परिवार के साथ रहते हैं, साथ ही कहीं अलग अपनी जॉब या व्यवसाय करने के लिए ये घर से दूर निकल जाते हैं। यही दोस्तों, अगर ये जीवन रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से किसी दूसरे देश विदेश, या यों कहें अपने ही देश में कहीं दूसरे शहर में काम करता है और इसका अपने कर्म स्थान से जन्म स्थान की ओर आना नामुमकिन ही होता है। यही दोस्तों, ये भी देखा गया है कि जीवन रेखा अगर दो मुखी होती है और ये चंद्र पर्वत या शुक्र पर्वत की ओर किसी भी तरफ मुड़ रही होती है तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी होती है, वो दीर्घायु होते हैं और अपने जीवन में आखिरी पड़ाव पर भी बहुत आराम से जीते हैं और शान से जीते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।